तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बाप पे चलने की? चांद हमारे तुम्हें तो मैं और भाग भाई भाग और भाग भाई अभी और नहीं चले जाओ कोड़िया गड्ढे में धर दूंगी आ गए तो। अरे यार ये कौन गवार लड़की है जो रास्ते से हट ही नहीं रही है, इतने हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा हूँ। भाई गाड़ी यहीं पर रोको और अभी सबक सिखाते हैं इसे। सही कह रहा है तू, उतरिए जरा। अब गवार लड़की यहीं रुक, एक घंटे से हम हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तू ना अपने कानों में ठेठ जमा रखी है क्या जो तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? एक घंटे से हम इतना परेशान हो रहे हैं और बीच रास्ते को घेर करके चल रही है, साइड में नहीं चल सकती है क्या? हम इतनी जल्दबाजी में जा रहे हैं कहीं पर और तू इस पोटली को लेके पता नहीं किस धुन में मस्त है, सुनाई बनाई दे रहा है नहीं देता है? अरे साहब मैं तो तो सुनाई ना आ रही, तुम कब लगा रहे हॉर्न? भाई तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे तो ये पागल नजर आ रही है, इसको सुनाई बनाई कुछ नहीं आता है। ए साहब देखो हमें पागल मत ही कहो, हमें सुनाई ना बहुत अच्छी आवे, तुम ही दिख रहे हो मुझे तो पागल। जब तुझे सुनाई आता है तो फिर हम इतनी देर से हॉर्न लगा रहे थे, तब तुझे सुनाई क्यों नहीं आया था ये बता हमारे लिए। ए साहब देखो मुझसे मुचोदी तो करो मत, तुम मुझे नो बताओ कि खेतन में क्या करने आए हो? पहली बात तो ये है कि तू ना इस गवार भाषा में हमसे बात करना बंद कर दे, क्योंकि तू जो कुछ भी बोल रही है ना वो सब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे कानों के बाहर से निकल जा रहा है। ये बता हमसे कहना क्या चाहती है तू, साफ साफ बोल हमसे। भाई तुम इससे उम्मीद कर रहे हो कि ये साफ साफ बोलेगी? अरे ये गांव की गवार है, इनको ऐसी ही भाषा आती है। अरे देखो साहब हमें ना सारी भाषाएं आती हैं, वो तो हमारी गांव की जो ही भाषा है तो जो ही भाषा में बात करना हमें पसंद है, ताई मारे बोल रहे हैं हम। और तुमने बात काट दई, तुमने हमें बताओ ना कि इन खेतन की रास्ता पर क्या करने आए। हाँ होगी तुम्हारे गांव की भाषा, लेकिन हमको ये समझ नहीं आती है। और तू हमसे क्या पूछ रही है कि हमको यहाँ पर क्या काम है? हम क्या तुम जैसे गवारों को बताएंगे कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? देखो साहब हम पूछ के तो कुछ उकन ना रहे, बता दोगे तो फायदे में ही रहोगे, और जब तुम्हें कुछ काम ही ना है तो आए काहे को, भागो यहाँ से। क्या कहा तूने कि हम यहाँ से भाग जाएं? अबे ये तेरे बाप का रोड नहीं है जो तू हमें भगाने के लिए बोल रही है, अगर तेरा बाप भी यहाँ पर आ जाएगा ना वो भी हमको नहीं भगा पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बाप पे चलने की? चांद हमारे तुम्हें तो मैं और भाग भाई भाग और भाग भाई अभी और नहीं चले जाओ कोड़िया गड्ढे में धर दूंगी आ गए तो। भाई रुक गई वो, यार ये गांव की औरतें इतनी खतरनाक होती हैं क्या? ये तो मुझे आज पता चला है यार, अगर हम वहां से नहीं भागते ना तो वो तो हमारा उस डंडे से सर ही फोड़ देती। भाई ये गांव के लोग बिल्कुल पागल हैं यार, हिम्मत तो देखो उसमें, हमारे जैसे दो हट्टा कट्टा लोगों पे इसने यार डंडा मारने की कोशिश की, हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी इसकी। भाई मुझे तो इस रास्ते से जाना नहीं है, और हाँ सर से फोन करके फोटो मंगा लो जिनसे हमें डील करनी है। यार हिम्मत तो मेरी भी नहीं कर रही है अब उधर जाने की, तू सही कह रहा है, मैं अभी सर से बात ही कर लेता हूँ, बोलना जल्दी से उनका फोटो सेंड कर देंगे वरना हम उनको ढूंढते ही रहेंगे। हेलो सर, आपने जिस लोकेशन पर हमारे लिए भेजा था ना, हाँ वहाँ पर तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन सर आपने उनका फ़ोटो सेंड नहीं किया है, आप अभी के अभी उनका फ़ोटो सेंड कर दीजिए जिनसे हमें डील करनी है। हाँ हाँ सर ठीक है, जल्दी कीजिए हम वहीं पर खड़े हैं अभी। ठीक है ठीक है। मेरी गठरिया और गिरवा के चले गए, अब मैं जब गठरिया किन से उठवाऊँ, यहाँ तो कोई दिखाई भी ना दे रहा है। ए भैया कहाँ जा रहे हो, जरा जाए गठरिया को उठवा दियो। अरे ठकुरायन तुम भी इतनी अमीर हो पर काम करना ना छोड़ो, इतना पैसा कहाँ लेकर जाओगी? चलो उठवा दो। चलो छोड़ दो। ये देख फोटो भी आ गया। अरे यार ये क्या, सर ने तो उसी गवार का फोटो सेंड किया है जो अभी हमें मारने के लिए तैयार हो गई थी। यार इनसे डील करनी है हमारे लिए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है ये? यार मुझे लगता है वो बहुत अमीर है यार, इसीलिए शायद सर ने उसका फोटो भेजा है। अब यार हम उससे डील कैसे करेंगे? डील करनी भी जरूरी है, अगर डील नहीं करी तो सर तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। भाई एक काम करते हैं, चल के ना माफ़ी मांग लेंगे, उसके बाद डील कर लेते हैं। यार सही बोल रहा है तू, चल हमें माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, शायद इस बार वो हमें डंडा नहीं मारे। आ जा। अरे मैम मैम हमें आपसे कुछ बात करनी है। तुम फिर आ गए, ना जा रहे हो यहाँ से? देखिए मैम हम अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आपका नाम अनुष्का है और हम ना आपसे डील करने के लिए आए हैं। अब तुम मुझे मैम क्यों बोल रहे हो, पहले तो तुम मुझे गबर गबर बता रहे, पागल बता रहे जो भैया तो।
अब क्यों बोल रहे हैं मैम? वो मैम क्या है ना, हम लोग राणा सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आए हैं और आपके लिए गोभी का बीज चाहिए था ना, उसी के रिगार्डिंग हमें आपसे डील करनी थी। लेकिन मैम हमें माफ़ कर दीजिए, वास्तव में हमको नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी जमींदार हैं। अगर हमें पहले पता होता ना तो हम आपके साथ ये व्यवहार कभी नहीं करते। मैम अगर आज आपने हमसे डील नहीं की तो कंपनी हमें नौकरी से निकाल देगी। मो कोई तुमसे डील विल ना करनी, ना कोई बीज खरीदनो, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरे तो वैसे ही मूड खराब कर दो तुम दोनों ने। मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वरना हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैम हमारे भी बीवी बच्चे हैं, अगर आप हमें नौकरी से निकलवा देंगी, उसकी कंपनी की तरफ से हमें सैलरी मिलती है, वो भी हमें नहीं मिल पाएगी और उसी से तो हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। देखिए मैम अब हमारी नौकरी ना सिर्फ आप ही के हाथों में, प्लीज आप हमको माफ़ कर दीजिए मैम। चलो अब तुम मेरे सामने इतनी गिड़गिड़ा रहे हो तो माफ़ कर दे रही हूँ, चलो अब तुम मेरे घर चलो, घर चल के डील करेंगे। थैंक यू मैम जो आपने हमें माफ़ किया। चलिए मैम आओ।